मैं एक दो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं अभी शायद डीवी सायम साहब आ जाए तब ठीक है। एक ईवीएम की भी बात होती है, लेकिन उससे पहले मैं जगदीप भाई साहब आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, और वो इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन बॉन्ड्स जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी शायद अब देश की सुरक्षा से भी कहीं उसका वो जुड़ गई। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दो चार दिन पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉपर आरोप लगाया है, और उसने ये कहा है कि गलवान के उस जब हमारे 20 जवानों के शहीद हुए उसके बाद कुछ चाइनीज फर्म से पीएम केयर फंड में पैसा आया है और ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज हम चाइना के साथ जो हमारा जो रस्साकशी हो रही है उसको भले ही हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उसको ना बताना चाहे, लेकिन पूरे देश को एक अघोषित रूप में पता है कि वो हमारे खेत में घुसा है, वो हमें आग दिखा रहे हैं, हम उनका कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इलेक्शन बॉन्ड के लिए मैं आपसे इसलिए, कम से कम जो पीएम केयर फंड है उसमें तो पता लगे ना किसने किसने कितना पैसा दिया। इलेक्शन बॉन्ड में ये चाइनीज फर्म ने भी पैसा दिया कि नहीं दिया, इसमें क्यों नहीं डिमांड हो सकती जगदीप भाई साहब? देखिए, डिमांड जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, डिमांड तो उसको ट्रांसपेरेंट करने की शुरू से ही है, और डिमांड तो ये भी है और के इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के खिलाफ हैं उनको शुरू से ही बंद करना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अपनी जगह है, लेकिन जो ये पीएम केयर फंड है ये अपनी जगह है। पीएम केयर फंड का इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम जो कहा गया है उसके मुताबिक किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया जा सकता है। लेकिन पीएम केयर फंड जो है वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री को दिया जाता है, और पीएम केयर फंड के जो ट्रस्टी वगैरह हैं वो सब सरकारी आदमी हैं, और एक हिसाब से कहा जाए तो वो सत्तारूढ़ दल के आदमी हैं, और उसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखना तो एक बहुत अजीब बात है कि ये हर पहलू पे हर मापदंड पे सरकार का काम है। प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रधानमंत्री सरकार नहीं है तो और कौन सरकार है? और प्रधानमंत्री के नाम पे ही जो फंड बना है जिसमें दूसरे मंत्रीगण उसके जो ट्रस्टी वगैरह हैं उससे ज्यादा तो पब्लिक अथॉरिटी कोई हो ही नहीं सकती, यानी बाय डेफिनेशन। तो उसको आरटीआई से बाहर रखना, तो आरटीआई, इससे अच्छा तो आरटीआई कानून को खत्म कर दो, यानी बात ही खत्म हो जाए। कि ये कहना कि जनता सरकार को पैसा दे रही है, पब्लिक सेक्टर कंपनियां पैसा दे रही हैं और कोई भी कंपनियां पैसे दे रही हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के कोष में जा रहा है। प्रधानमंत्री का कोष कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं है प्रधानमंत्री, भाई उस पार्टी के अध्यक्ष प्राइवेट सिटीजन हो सकते हैं, उस पार्टी के कोई मेंबर प्राइवेट सिटीजन, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री होने की शपथ ली है वो तो प्राइवेट सिटीजन नहीं है, वो सरकार, ना सिर्फ सरकार का हिस्सा है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। The Prime Minister is the embodiment of the government in the country, and the RTI is meant to apply to all government agencies. तो दो और दो चार के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो PM Care Fund को RTI से अलग रखना तो एक बिल्कुल ही सरासर हर चीज का उल्लंघन है जिसके लिए सरकार है या जिसके लिए RTI है, जिसके लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आरटीआई एक्ट सर्वसम्मति से पास हुआ था, और पीएम केयर फंड को उससे बाहर रखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और पीएम केयर फंड में विदेशों से चंदा आना ये तो और कमाल की बात है, और विदेशों से चंदा आना वैसे तो राजनीतिक दलों में भी कमाल की बात है, लेकिन
वो इलेक्टोरल बॉन्ड और FCRA अमेंडमेंट के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि इन दोनों ने FCRA का उल्लंघन किया है, उसने विदेशी स्रोत से चंदा लिया है, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूं देश में और जहां तक राजनीतिक दलों का और सरकारों का सवाल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा चुका है, चीफ, ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि अपने मुवक्किल को बताइए कि उनको भी कानून का पालन करना पड़ेगा। यानी सरकार को कानून का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको बता रही है कि आपको कानून का पालन कर, सरकार को नहीं पता है ये। तो कानून देश में इस वक्त नहीं है। इसीलिए जो भी आपने सवाल पूछे हैं वो सब वाजिब है, कौन क्या कर रहा है, बाकी सबका तो सरकार को पता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है उसका किसी को पता नहीं है। और अगर वो कुछ गलत कर रही है तो वो भी ठीक अपने आप में, क्योंकि कानून तो सरकार पे लागू नहीं है। तो पीएम केयर फंड हुआ, चाहे चाइना हुआ, कुछ भी बात हो, कानून जिस लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ नहीं है वो लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए हमारे जो इलेक्शन वगैरह की बात है जो आप अभी करेंगे वो भी इसी में आके इसी में शामिल होगी। अब आप आके चलिए। हाँ, देखिए मतलब मैं एक चीज इसलिए जरा अपने दर्शकों को, क्योंकि वो बात आधी रह गई थी। देखिए जो आनंद कुमार भाई साहब कह रहे हैं, जिस वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, उसका लार्जर क्वेश्चन जो है वो चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। और उसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि ईवीएम का एक जो मसला है जिसके बारे में बहुत से डाउट है, बहुत से लोग इसकी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, एक ईवीएम है। एक इलेक्शन कमीशन का जो आज की तारीख में जिस तरह का रोल रह गया हो गया है वो बिल्कुल कहीं से भी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं लगता है, वो एक पार्टी विशेष का एक्सटेंशन लगता है और वो साफ साफ दिखता है। नहीं तो मैं जगदीप भाई साहब आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और आपको लगेगा, लोगों को लगेगा मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे अटका हुआ हूं, मैं अटका नहीं हूं। 7 नवंबर 2022 में आप चुनाव की घोषणा करते हैं कि चुनाव होगा, नहीं आप सात, आप 2 या 3 नवंबर को घोषणा करते हैं गुजरात में, 7 नवंबर को आप एक अलग से चेंज करते हैं रूल कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस बार का एक नई विंडो खुलेगी, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ उसके बीच में आप फिर से पैसा ले लेते हैं। मैं इसलिए भाई साहब ये बात कह रहा हूं और दर्शकों को भी समझने की जरूरत है, आपने इसको जब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पीएम केयर फंड कहता हूं तो उसका कारण यह है कि दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जैसे आज मैं जब वोट देने जाता हूं तो उसको कोई बड़ा पैसे वाला उस वोट को प्रभावित करता है, चंदा देके, लालच देके, क्योंकि इलेक्टोरल पार्टी के थ्रू। उसी तरह से विदेशी ताकतें भी आज की तारीख में हमारे हमें प्रभावित कर सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन में अगर मुझे ये पता है, मान लीजिए चाइनी, ये क्यों नहीं बताया जाएगा कि चाइना की फर्म्स ने हमारे कौन कौन से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? आज बिल्कुल साइलेंट है उनके, इंडिया के थ्रू कहीं भी लगा सकते हैं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं आज पीएम केयर फंड में चाइना की किस फर्म ने मुझे ये दिया, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज आप हमारे लोग शहीद हो रहे हैं भाई, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, और उसके बाद ये कंस्टिट्यूशन केस से ये देश चल रहा है, वो सब बात होती रहेगी। मूल बात ये है कि आप इसको ट्रांसफर, मैं ये कह रहा हूं ये कोई सब्जेक्टिव मैटर नहीं है, एक हमारे जवान शहीद हो रहा है, हमारा देश कब्जा हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा दुश्मन भी मेरे यहां किसी को पैसा दे रहा है। मैं जगदीप भाई साहब इस पे आपके विचार जानना चाह रहा हूं। देखिए, ट्रांसपेरेंट ना होने का एक सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार और जनता के बीच में डिस्कनेक्ट है। सरकार जनता को, पार्लियामेंट तक को, सुप्रीम कोर्ट तक को ये नहीं बताना चाहती कि वो क्या कर रही है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ले लीजिए, पीएम केयर फंड को ले लीजिए, पेगासस को ले लीजिए, सरकार देश में किसी को भी, यानी जनता तो, खैर जनता तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, जनता तो गई भाड़ में, लेकिन संसद भी गई भाड़ में,
और सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ये कहते कहते रिटायर हो गए कि आप हमें ये तो बताइए कि आपने ये चीज खरीदी है कि नहीं खरीदी है, जी बताएंगे। और उनकी रिपोर्ट में आ गया कि सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और नहीं किया। तो सरकार एक ऐसी शक्ति हो गई है कि जिसको देश की किसी भी संस्था को कुछ नहीं बताना है, तो इससे बड़ा डिस्कनेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और इस डिस्कनेक्ट को दोबारा से कायम करने के लिए जो मुस्तफाबाद में हुआ वह बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जनता के साथ है वो चुनाव के थ्रू है। एक दफा चुनाव हो गया तो सरकार समझती है हम तो अब भगवान हो गए अगले 5 साल के लिए। मुस्तफाबाद ने जो दिखाया है वो ये है कि चुने जाने के बाद हमारे प्रतिनिधि हमसे अलग नहीं हो सकते, हमारी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज, ये जो आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की और पीएम केयर फंड की, ये उसी चीज का दूसरे लेवल पे एक मैनिफेस्टेशन है कि सरकार और जनता का डिस्कनेक्ट, जो कि आज की तारीख में राजनीतिक दलों का और जनता का डिस्कनेक्ट हो गया है। राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व है उसका अपने सदस्य गणों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से कोई पहल नहीं की जाएगी। इसको दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए जनता को पहल करनी पड़ेगी। जनता को, जो मैं कभी कभी कहता हूं कि एक पुरानी कहावत है, वॉर इज टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट ओनली टू द जनरल्स, क्योंकि जनरल लोगों को तो लड़ना ही आता है तो वो तो लड़ते ही रहेंगे, लेकिन वो इसलिए लड़ाई जो है वो जनरल्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज ऑल्सो टू सीरियस ए बिजनेस ओनली टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स को जनता को राजनीतिज्ञों से जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जो अभी रणधीर जी कह रहे थे कि राजनीतिक दलों को और नेतृत्व को जनता के पीछे जनता के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, वो रास्ता दिखाने की पहल जनता को अपने आप करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करवाएगा, कोई नेता नहीं करवाएगा। इसलिए मुस्तफाबाद में जो हुआ वो महत्वपूर्ण है कि जनता ने अपने सो कॉल्ड चुने हुए प्रतिनिधित्व को कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते, आपको हमने चुना है, आपको किसी दूसरे पार्टी के मुखिया के कहने पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो हमने आपको कहा है वो आप करेंगे। जनता ने अपने आप को असर्ट किया है। तो जनता को और मतदाताओं को, जो कहते हैं वोटर अवेयरनेस एंड वोटर एम्पावरमेंट, मतदाताओं को सक्षम बनाना, ये लोक कल्याण समिति वगैरह का काम था और वो काम अब होना चाहिए। जहां तक राइट टू रिकॉल की बात आती है, हम फिर उसी ट्रैप में गिरेंगे कि राइट टू रिकॉल हमें देना चाहिए। राइट टू रिकॉल कोई नहीं देगा, राइट टू रिकॉल हमें अपने आप लेना पड़ेगा, जैसे मुस्तफाबाद वालों ने लिया, उन्होंने रिकॉल किया। तो अब मैं समझता हूं जब तक हम ये मांग करते रहेंगे कि हमें ये राइट दिया जाए, तो भाई वो देने वाला भगवान थोड़ा ही है, वो देने वाला तो उसको हम ही तो बनाया है। तो जनता हैज टू असर्ट, जनता को अपने राइट को असर्ट करना पड़ेगा कि ये हमारा राइट है, ये हमारे पास है, आप नहीं दे सकते हमें ना आप ले सकते। तो ये एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। हम अभी तक ये कहते आए हैं कि हम तो ये राइट दीजिए, राइट टू फूड दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन दीजिए, राइट टू एजुकेशन दीजिए, राइट टू रिकॉल दीजिए। अरे वो कौन होते हैं राइट टू रिकॉल देने वाले, हम ही ने तो उनको वहां भेजा है।
वो राइट टू रिकॉल हमें अपने आप लेना पड़ेगा जैसे मुस्तफाबाद ने लिया है। इसलिए मुस्तफाबाद का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां की जनता ने ये दिखाया है कि हम इंतजार नहीं करेंगे कि हमें कोई राइट दे, हमारा राइट इन लोगों के ऊपर है क्योंकि हमने इनको बनाया है। तो उसी राइट को रिक्लेम जब करेंगे तब कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी राइट टू इंफॉर्मेशन इससे हटा दिया है। अरे आप कौन होते हैं हटाने वाले, पैसा हमारा है। अगर आप देखें राइट टू इंफॉर्मेशन की जो पुरानी कहानी है उसमें ये था हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा वोट हमारा राइट। जी जी, मैं जगदीप भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ। बस एक हमारे दर्शक है विमल कुमार साहब, वो पूछ रहे हैं डज दिस राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट नाउ और दस कांग्रेस काउंसलर्स केम बैक बिकॉज दे वर शेम्ड, इसलिए वो वापस आए। ये आज की तारीख में राइट टू रिकॉल का कानून नहीं है। जगदीप भाई साहब देखिए, ये जो अभी कहा गया कि छोटे राज्यों में वोटर का कनेक्ट ज्यादा है इसलिए छोटे राज्यों में ये हो सकता है, मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये होता तो गोवा में जो हुआ वो क्यों होता। तो मेरा तो अपना ये निजी विचार ये है कि हमें नागरिकों को और मतदाताओं को ये समझने की जरूरत है कि वो राजनीतिक दलों के और राजनीतिक नेताओं के मातहत नहीं है। यू नो वोटर्स हैव टू बी, वोटर्स को ये संज्ञान आना पड़ेगा कि असली ताकत उनके पास है। और जब तक वो वोटर एजुकेशन या वोटर एम्पावरमेंट, जो भी मैं उनके हिंदी के शब्द शायद नहीं जानता हूं, या वो जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलेगा। छोटे बड़े, और ये जो रणधीर जी ने कहा कि गुजरात में मुसलमान मेजोरिटेरियन व्यू पॉइंट को मानने लगे हैं, वो मेरे ख्याल में वो नहीं है। वो इसलिए बीजेपी को वोट देते हैं कि उनको लगता है कि इनको वोट देने में ही भलाई है। वो मानते नहीं है क्योंकि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी दूसरी पार्टी उनका भला नहीं कर पा रही है। तो जो भला करेगा उसको वोट मिलेगा, जिसको वोट मिलेगा उसको भला करना पड़ेगा। ये जो धारणा है कि हम वोट आपको दे रहे हैं इसलिए नहीं है कि आपने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, हम आपको वोट दे रहे हैं कि आप हमारे लिए अगले 5 साल में हमारा ख्याल रखिए, और अगर आप हमारा ख्याल नहीं रखते हैं तो हम आपसे वोट वापस ले लेंगे। वही उसको ही राइट टू रिकॉल कहा जाता है। लेकिन राइट टू रिकॉल मेरे हिसाब से नेचुरली शुड लाई विद द वोटर, द इलेक्टेड बॉडीज डू नॉट हैव द राइट टू गिव टू द वोटर। वोटर के पास ही वो राइट है और वोटर को उस चीज को समझ के उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मेरे ख्याल में आनंद जी कह रहे थे, आनंद वर्धन जी, के लीडरशिप की कमी है, मैं समझता हूं किसी हद तक ये ठीक है, लेकिन लीडरशिप भी वोटर्स में से ही निकलेगी। ताकि जैसे वो जेपी की बात याद आती है कि जनता आगे रहेगी नेता पीछे चलेंगे, और जनता को इस चीज के बारे में विदित कराना वो जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम जनता को ये समझाएं कि आपके पास ताकत है, आप उस ताकत को दूसरे को मत दीजिए, अपने पास रखिए। तो जो वो लोग थे जिनको जेपी ने कहा कि कुछ तो सत्ता के पीछे भागेंगे और कुछ सत्ता के बाहर रहेंगे, सत्ता के बाहर रहने वाले लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि वो जनता को ये समझाएं कि ये लोग जो है ये आप के बनाए हुए हैं, आप इनको हुक्म दीजिए, इनसे आप भीख मत मांगिए कि जी हमारे यहां पानी दिलवा दो बिजली दिलवा दो। अरे भाई दिलवाओ नहीं तो तुम्हें हटाएंगे। ये मेरे ख्याल में इस तरह की
लीडरशिप तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस तरह की जागरूकता को फैलाने के लोगों की जरूरत है जो जनता को ये समझाए कि बेसिक पावर प्राकृतिक तौर पे आपके पास है, आपसे कोई उसको ले नहीं सकता जब तक आप उसको ना दे स्वैच्छिक तौर पर।